स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टेटा में। दोस्तों अगर आपको 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है वो भी अगले 12 से 14 साल के अंदर, तो फिर आपके पास एक म्यूचुअल फंड्स का बेहतरीन ऑप्शन और बेहतरीन फंड मौजूद है जिसके अंदर आप 1 करोड़ रुपए का फंड काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें सालों तक बहुत इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि अगले 10 या 12 साल के अंदर उन्हें अभी कम पैसे निवेश करके 1 करोड़ रुपये फंड की ज़रूरत है। या फिर वो लोग जो एक साथ ज़्यादा पैसे भी निवेश नहीं कर सकते, बल्कि मंथली बेसिस पर वो थोड़े बहुत पैसे डालकर एक टारगेट को पूरा करना चाहते हैं और अगले 12-13 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो वो भी मंथली बेसिस पर अपनी सेविंग निवेश करके भी इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश कर रहे हैं तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें पैसे को निवेश करना है, कैसे हमें ग्रोथ मिल सकती है, और हमारा टारगेट अगर शॉर्ट टाइम एक बड़े फंड बनाने का है तो उस टारगेट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पिछले 4 साल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न काफ़ी बेहतर मिला है और अभी भी हमारे पास एक मौका बनता है। क्योंकि दोस्तों लगातार अगर हम आप इस वक्त म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहले लोग बैंक FD या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसे को निवेश करते थे, लेकिन पिछले 5-6 साल से लोग ज़्यादातर म्यूचुअल फंड प्लान में पैसे को निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम कुल म्यूचुअल फंड AUM की भी बात कर लें तो वो दोस्तों 60 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है। यानी कि इतना पैसा रिटेल इन्वेस्टरों ने म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर निवेश किया हुआ है। तो इस बात से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लगातार आप लोग बैंक FD की जगह निवेश के लिए ऐसे ऑप्शन तलाश रहे हैं जहाँ पर उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और इसका बेनिफिट ये होता है कि बैंक FD में या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम में ब्याज दर काफ़ी कम होती है, और जब हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि पैसे हम निवेश करके अपने टारगेट को आसानी के साथ पूरा कर पाएं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान में आपको 4,500 से ज़्यादा प्लान मिलते हैं और आपको अगले 10 या 12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना है, वो भी कम पैसे निवेश करके, तो फिर आपको एक ऐसे फंड की ज़रूरत है जहाँ पर आप कम रिस्क के साथ एक अच्छा फंड बना सकें, पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग हो और फंड के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ भी हो। अगर आप ये सारी चीज़ समझते हैं और एक बेहतरीन फंड पिक करते हैं तो फिर आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरह से आपको पैसे को निवेश करना है और आप कैसे अपने फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फंड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अगर आप अगले 10-12 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना चाहते हैं तो आप कैसे कम पैसे निवेश करके इस फंड के अंदर इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे, कैलकुलेशन के साथ भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फंड की। तो हमने फंड पिक किया है बड़ौदा का PNB परिवास मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान जिसके अंदर अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करते हैं तो 21.67% का कंपाउंड रिटर्न है। लेकिन अगर हम इस फंड के अंदर दोस्तों पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो मिड कैप कैटेगरी की काफ़ी बेहतरीन कंपनी फंड के पोर्टफोलियो में शामिल है। इसमें अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 30% है, लास्ट 3 ईयर में 22%, लास्ट 1 ईयर में 48% और 6 मंथ में इस फंड के अंदर हमें 21% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। जबकि 1 महीने की बात करें तो फंड में हमें 1.5% तक भी रिटर्न मिला है। दोस्तों अभी मार्केट के अंदर एक करेक्शन भी है, इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये वक्त बिल्कुल सही है एक निवेश प्लान करने के लिए। अब दोस्तों इस फंड के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करें तो 21.5% से ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन हमें 1 करोड़ रुपये फंड बनाना है तो कैसे हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, पहले एक बार इसे समझते हैं, उसके बाद हम आगे फंड के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास है एक लमसम कैलकुलेटर म्यूचुअल फंड का और रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर 21% का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बनाना है पहले 1 करोड़ रुपये का फंड। तो यहाँ पर अगर हम निवेश करते हैं 1.5 लाख रुपये इस फंड के अंदर, और दोस्तों लमसम 1.5 लाख रुपये डालकर हम लगातार इस पैसे को निवेश करके रखते हैं और हमारा टारगेट अगर 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का है तो फिर यहाँ पर हमें करीब 22 या 23 साल का टाइम लग जाएगा। इससे हम 22 साल में 1.5 लाख से 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर हमें इससे जल्दी यानी कि 10-12 साल के अंदर पैसे को निवेश करके 1 करोड़ रुपये फंड बनाना है, अगर हम इस फंड के अंदर 5 लाख रुपये डालते हैं, 21% का रिटर्न अगर हमें मिलता है, और अब दोस्तों 1 करोड़ रुपये का फंड हम 16 साल के अंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम निवेश करते हैं 9 लाख रुपये और हमें 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना है तो फिर यहाँ पर हम अब 1 करोड़ रुपये का फंड दोस्तों 13 साल के अंदर बना सकते हैं। लेकिन अब वो लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, अब वो कैसे 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों अगर हम SIP की बात करते हैं, JQ है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जिसमें आप मंथली बेसिस पर पैसे को डाल सकते हैं। अगर आप दोस्तों सेविंग करते हैं 4,000 रुपये मंथली की और यहाँ पर आप
21% का रिटर्न पाते हैं इस फंड में और आपका टारगेट है 1 करोड़ पे फंड बनाने का, तो फिर आप दोस्तों करीब 18 या 19 साल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 19 साल में 9,12,000 रुपये का निवेश करके भी 4,000 रुपये मंथली के हिसाब से 1,19,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। 1,10,00,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन इससे जल्दी अगर आपको 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना है, अगर आप आज से सिर्फ 10,000 रुपये मंथली डालते हैं म्यूचुअल फंड प्लान में और यहाँ पर 21% इस फंड में रिटर्न मिलता है और आपको 1 करोड़ रुपये बनाना है, तो फिर आप 14 साल के बाद भी 1 करोड़ रुपये फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप कम टाइम में अपने 1 करोड़ रुपये फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप कम टाइम में भी उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर दोनों तरह SIP और लमसम में आप पैसे को डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये फंड हमने देख लिया, यह है बड़ौदा का मिडकैप फंड। अब दोस्तों इस फंड के कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स चेक करना भी हमारे लिए काफी जरूरी है ताकि हम देख सके कि फंड का पोर्टफोलियो कैसा है और फंड की कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर भी नजर डालते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 67 कंपनी है फंड के पोर्टफोलियो में। इसमें अगर हम बेहतरीन कंपनी की बात करें तो PB फिनटेक, ट्रेंड लिमिटेड, हिटैची एनर्जी, KPIT टेक्नोलॉजी, द पोनेक्स मिल, TVS मोटर कंपनी, इंडस टावर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सुंदरम फाइनेंस, इंडियन बैंक, यानी कि दोस्तों ऐसी कंपनी जिनके अंदर लगातार अभी तक भी हमें ग्रोथ काफ़ी शानदार मिली है, उसी में फंड के ज़्यादातर पैसे को निवेश किया गया है और दोस्तों फ्यूचर में भी यहाँ पर हमें एक बेहतरीन ग्रोथ आने वाले टाइम के अंदर मिल सकती है। दोस्तों फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस है 124.45 रुपये, यानी कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी NAV का प्राइस होता है इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाती हैं और इसी पर आप प्रॉफिट या लॉस ट्रैक कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो 3 है और 2,247 करोड़ रुपये फंड का UM है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड प्लान में निवेश किए हुए हैं। फंड के अंदर मिनिमम SIP के थ्रू आप पैसा डालना चाहते हैं तो 500 रुपये मंथली से डाल सकते हैं। लमसम पैसा डालना है तो फिर आप कम से कम 5,000 रुपये इस फंड के अंदर डाल सकते हैं। SIP मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इक्विटी के अंदर फंड का 95% पैसा, डेट फंड में 5.6% पैसे को यूज किया गया है। दोस्तों इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो अदर सेक्टर की कंपनीज में 19%, सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी के अंदर फंड के पैसे को डाला गया है। और दोस्तों ये ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर लगातार हमें एक बेहतर ग्रोथ मिल सकती है और आगे भी यहाँ पर हम पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क जरूर चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए आप फंड का बीटा देख सकते हैं जिससे पता चलता है कि फंड के अंदर रिस्क कितना है। अगर बीटा है 1 से कम तो माना जाता है कि फंड के पोर्टफोलियो में कम रिस्क के साथ जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर मिला है। और दोस्तों फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा है 0.53%, यानी कि जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है ये पैसे काटकर NAV के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है। एग्जिट लॉट यहाँ पर है 1%। अगर आप जो भी पैसा निवेश करते हैं 12 महीने से पहले 10% रिडीम करते हैं तब रिटर्न पर टैक्स है। म्यूचुअल फंड्स में 20% 1 साल से पहले, लेकिन 1 साल के बाद 1,25,000 से ज़्यादा प्रॉफिट पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना होता है। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं तो शिव चिंतानी 2022 से और मित्रा वोरा 2022 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों बड़ौदा PNB परिवास म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो रैंक एसेट के हिसाब से 25 नंबर पर है। 2004 में फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए के आसपास फंड के पास UM है। तो दोस्तों बड़ौदा के इस दमदार म्यूचुअल फंड प्लान में मिड कैप फंड में अगर हम पैसे को निवेश करते हैं और हमारा पहले 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का टारगेट है तो फिर इस फंड के अंदर हम यहाँ पर अगले 12-14 साल के अंदर भी इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।